हेमा मालिनी और शाहरुख खान बॉलीवुड के वो स्टार हैं जिन्हें साथ काम करते हुए देखना हर किसी को पसंद आता है। लेकिन इस जोड़ी ने अब तक कितनी फिल्मों में साथ काम किया है आपको पता है? साल 1992 में पहली बार हेमा ने जब शाहरुख खान को अपनी फिल्म दिल आशना है में लिया तो बतौर हीरो लेने के लिए स्क्रीन टेस्ट लिया तो वो कई तरह की दुविधाओं में थी। हेमा को शाहरुख पहली नजर में पसंद नहीं आए थे। हेमा को शाहरुख के बाल और जल्दी जल्दी बोलने का स्टाइल भी पसंद नहीं आया था। हेमा ने तब अपने पति धर्मेंद्र से शाहरुख खान के संबंध में बात की थी और धर्मेंद्र ने कहा था कि वह बेहिचक शाहरुख को फिल्म में ले सकती हैं। हेमा मालिनी के डायरेक्टेड फिल्म दिल आशना है में भले वो नहीं चली लेकिन शाहरुख का बॉलीवुड में करियर ऊपर गया, लेकिन शाहरुख बॉलीवुड में छा गए इसके कारण। जी हाँ, इसके बाद हेमा और शाहरुख ने पहली बार साल 2000 में एक साथ स्क्रीन शेयर किया और ये फिल्म थी हेरा। जी हाँ, साल 2004 में एक बार फिर शाहरुख और हेमा ने स्क्रीन शेयर किया था और ये फिल्म थी वीर जारा। इसके बाद शाहरुख और हेमा ने अब तक कभी साथ में काम नहीं किया है, हालांकि दोनों ही एक्टर कई बार साथ में स्टेज शेयर करते हैं। वहीं आपको बता दें कि वो समय ऐसा था जब हेमा मालिनी शाहरुख को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एक नज़र में शाहरुख खान हेमा मालिनी को बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। वो नहीं चाहती थी कि वो उन्हें अपनी फिल्म में ले, दिल आशना में वो उनको नहीं रखना चाहती थी। लेकिन आपको बता दें कि धर्मेंद्र के कहने पर ही शाहरुख खान को इस फिल्म में लिया गया, क्योंकि धर्मेंद्र जानते थे कि शाहरुख खान कितने अच्छे एक्टर हैं, शाहरुख खान की एक्टिंग कितनी अच्छी है। इसी वजह से उन्होंने हेमा को ये कहा कि आप उन्हें फिल्म में बेहिचक रख सकती हैं। तो आपको इसको लेकर क्या कहना है, आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। फिलहाल और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 न्यूज़ से। सुरभि की रिपोर्ट।